पेप्सी इन पीसीबी क्रिकेट स्टार्स में मेरे साथ इस वक्त जो दो पर्सनालिटीज मौजूद हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल अराउंड एंड इट्स रियली गुड टू सी दैट दे हैव एक्चुअली मेड एन एफर्ट एंड दे आर ऑन ग्राउंड. मोहम्मद आगा साहब हैं, ये पेप्सी कोला के मार्केटिंग मैनेजर हैं. एंड देन ऑब्वियसली द मैन हु डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, ही इज़ अ लेजेंड, हारून रशीद साहब. ही इज़ यूथ डेवलपमेंट के हेड हैं और ऑब्वियसली NCA. अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? हारून साहब, आई हैव नोटिस आपने जितने भी एवरी इंटरव्यू दैट आई हैव सीन ऑफ योर्स, यू हैव ऑलवेज एम्फसाइज ऑन ग्रास रूट लेवल, बच्चों को ग्रास रूट लेवल में. तो इससे कितना फ़ायदा आपको हो रहा है इस कैंपेन से, ऑब्वियसली आफ्टर कंडक्टिंग इट, कि आप कितना यूथ देख रहे हैं सामने आता हुआ? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्यों ग्रास रूट लेवल. हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, हम अपने आप को जब मिलाते हैं या जो बेंच मार्क्स हम बनाते हैं वो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, लेकिन कोई ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करता कि वो बड़े पुराने सिस्टम्स, इस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं, दो दो साल पुराने, डेढ़ डेढ़ सौ साल पुराने, जहाँ पर उनका जो सिलसिला है वो ग्रास रूट लेवल से ही शुरू होता है. उनकी जो अपग्रेडेशन और उनकी जो ग्रूमिंग है बड़ी यंग एज में शुरू हो जाती है. बदकिस्मती से हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही थी जो कि हमने बड़े अरसे से देखा, 1988 से मैं इन्वॉल्व हूँ जूनियर क्रिकेट में, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर पजीराई नहीं मिलती, ना प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, ना उनके कोई स्कूल्स में ऐसी क्रिकेट होती है जहाँ से हम उनको पिक कर सकें. तो आई थिंक ये इन्होंने, इनका बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस चीज़ को माना और इसको अप्रिशिएट करते हुए हमारे साथ ज्वाइन किया और अब उसका रिजल्ट आप आज देख रहे हैं. और पहले दो दिन हमने ट्रायल्स के लिए मुख्तस किए हुए हैं, प्रोग्राम 7 दिन का है. पहले 2 दिन ट्रायल्स होने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे 15, उनको हम यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग देंगे. उसके बाद जो उनमें से बेहतर बच्चे होंगे उनको हम 12 टीमों में डिवाइड करेंगे रीजन्स में, और उसके बाद उनकी हम कंपटीशन करवाएंगे. तो उस कंपटीशन के बेस के ऊपर जो क्रीम निकलेगी उसको हम नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लाकर उनको ट्रेन करेंगे और उनका प्रॉपर फॉलोअप करेंगे. इसी प्रोग्राम के दौरान कोहार्ट में हमें एक 16 साल का ऐसा बच्चा मिला है जिसकी हाइट अबाउट 6 फीट एंड 4 या 5 इंचज़ है, ठीक है. उसको हमने स्पेशली, जैसे ही हमें पता लगा, हमने उसको एकेडमी में बुलाया और यहाँ पर हमने उसको देखा कि उसमें बाकायदा वो लवाजमात मौजूद हैं जो किसी फास्ट बॉलर के लिए होने चाहिए. हमने स्पेशली, अभी हालांकि हमारा नेशनल अकेडमी का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको यहाँ बुलाकर उसको देखा. उसके पास प्रॉपर जूते भी नहीं है, प्रॉपर किट भी नहीं है, तो हमने कोशिश करके उसको प्रोवाइड की हैं और उसकी हमने ऑलरेडी इनिशियल स्टेजेस पे उसके एक्शन पे और उसके रनअप पे और उसके ऊपर काम भी किया. एक आध हफ्ता हमने उसको यहाँ रखा है. अब यहाँ पर ही हमने लाहौर में ही किसी अकेडमी में उसके साथ लगा के अपनी ड्यूटी लगाई है कि वो उसको फॉलोअप करता रहे और उसकी ट्रेनिंग करता रहे. तो आई थिंक आपको नहीं पता कि कौन कौन सी जगह पर टैलेंट मौजूद है, इट्स ओनली अ मैटर कि आप वहाँ तक पहुँचें और प्रॉपर वे में लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको बुलाएं यंगस्टर्स को, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें टैलेंट है. क्योंकि कई बच्चे तो इसी तरह ही चले जाते होंगे क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता. ठीक है, प्लेजर मीटिंग यू जेंटलमैन, थैंक यू सो मच.